अच्छा काम करता है, आप देख सकते हैं। किसी भाई को बनवाना है तो आराम से बनवा लें, वीडियो के नीचे नंबर दे रखे हैं, नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। जो बाजरे की लकड़ी है वो इस सानने से साइड में निकल जाती है, बार बार अंदर रोटर में डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लकड़ी रोटर में रहती है तो फिर ट्रैक्टर दबने लगता है। ये सानना लगाने के बाद में जो आपको कुंडा दिखाई दे रहा है वहाँ पे सिर्फ लकड़ी आ रही है, उसको वापस डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड आ रहा है वो माल अंदर डाल रहे हैं, सिर्फ इस साइड वाला अंदर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे जुगाड़ बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे किसानों के लिए। इसमें ट्रैक्टर दबने की कोई आवाज़ नहीं है, आपको दिखा देता हूँ पूरा भरा हुआ चल रहा है। आपको दिखाया भरा हुआ चल रहा है, गाला फुल है, इसमें ट्रैक्टर भी नहीं दब रहा है। जो लकड़ी होती है वो निकल जाती है इसमें साइड में, और सिर्फ जो अनाज होता है वो ही रिटर्न जाता है कन्वर के जरिए। ये बहुत अच्छा काम करता है। इस सानने की वजह से आप एक टाइम भी बचा सकते हैं और ट्रैक्टर का डीजल भी बचा सकते हैं। जीरा ईसक उस टाइम का भी वीडियो डाला हुआ है सानने का, और इस साल का ये भी वीडियो डाल दिया है बाजरे का भी।